दोस्तों हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर 3 के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में अंकशास्त्र का अपना ही महत्व है। यही वजह है कि अक्सर ही कोई शुभ कार्य हो या फिर विशेष कार्य करने हो तो उसके लिए किसी शुभ तिथि का विचार करवाया जाता है। अंकशास्त्र में ऐसा ही एक अंक है नंबर 3। इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं हैं। कहीं इसे शुभ माना जाता है तो कहीं अशुभ। तो आइए जानते हैं कि नंबर 3 को लेकर धर्मशास्त्र और अंकशास्त्र क्या कहते हैं, साथ ही इस अंक से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों धर्म और मान्यताओं की बात करें तो सनातन धर्म में 3 का विशेष महत्व है। सृष्टि के रचयिता 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश, साथ ही देवियां भी 3, लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती। यही वजह है कि सनातन धर्म में इनका अपना ही महत्व है। सनातन धर्म में आरती करनी हो तो 3 बार की जाती है। किसी पवित्र स्थल की परिक्रमा करनी हो तो उसे 3 बार करने का विधान है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सौर मंडल में प्रमुख ग्रहों सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति से की संख्या भी 3 है। नंबर 3 जुपिटर से जुड़ा है। साथ ही हमारी कुंडली में भी 3 नंबर प्रमुख घिरे होते हैं जो हमारे भाग्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। धर्मशास्त्र में इसकी बात करें तो विशेषज्ञ के अनुसार 3 नंबर को एक बेजोड़ अंक माना जाता है। कहा जाता है कि यह अंक बेजोड़ होते हुए भी खुद में 2 और 3 को समाहित करता है। इसके चलते इसे अन्य अंकों से शुभ माना अन्य अंकों में शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप त्रिकोण पर ध्यान दें तो तीसरी भुजा ही इसका आकार पूरा होता है, इसीलिए इसे शुभ माना जाता है। अंक 3 में गजब की एनर्जी का संचार माना जाता है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा कहते हैं कि यह अंक मंगल ग्रह का प्रतीक होता है, यानी कि टैरो कार्ड की दुनिया में यह तीसरा ग्रह होता है जो कि बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अंकशास्त्र के मुताबिक 3 तारीख को जन्मे या फिर ऐसी किसी तारीख से पर जन्मे लोग जिनका योग 3 आता हो या जिनका मूलांक 3 हो वह बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। इसके अलावा वह हमेशा ही खुद से आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अंक 3 वाले जहाँ काफ़ी शुभ होते हैं वहीं से कुछ मुश्किलें भी आती हैं। मसलन यह किसी भी काम को करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा इनके मूड का पता लगाना बेहद मुश्किल काम है। कभी ये काफ़ी खुश होते हैं और कभी अचानक से नाखुश नज़र आने लगते हैं। इसके चलते कई बार संबंधों में वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। मान्यता है कि कभी भी किसी को खाने में एक साथ 3 रोटी नहीं परोसनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके त्रयोदशी संस्कार में, जिसे तीजा बोला जाता है, निकाले जाने वाले भोजन में 3 रोटियां दी जाती हैं। इसे केवल भोजन परोसने वाले के अलावा कोई और नहीं देखता। यही वजह है कि 3 रोटियां खाना त्रयोदशी संस्कार के खाने के समान मानी जाती है। भोलेनाथ का प्रिय अस्त्र त्रिशूल भी 3 सिरों का है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व रज और तम का परिचायक है। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है। इसलिए भगवान शिव ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि वह त्रिदेवों के देव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का सूचक है। इसे रचना पालक और विनाश के रूप में देखा जाता है। इसे भूत वर्तमान और भविष्य के साथ धरती स्वर्ग और पाताल का भी सूचक माना जाता है। यह दैहिक दैविक एवं भौतिक ये 3 दुख त्रिताप के रूप में भी माना जाता है। भोलेनाथ की दोनों आँखों के बीच में तीसरा नेत्र है जो उनके कुपित होने पर ही खुलता है।
इसके खुलने पर पृथ्वी के पापियों को नाश हो जाता है। यही नेत्र अंतर्दृष्टि का ज्ञान का प्रतीक भी है। इसी से भगवान शिव ने काम दहन किया था। यही नहीं, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय बेलपत्र की पत्तियां भी तीन ही होती हैं। बेलपत्र में तीन पत्ते से जो एक साथ होते हैं, इन्हें त्रिदेव का स्वरूप मानते हैं। लोक भी यानी कि पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक है। ब्रह्मा विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से मिले दान में एक ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। वहीं पूजा पाठ में पहने जाने वाली कुश की उत्पत्ति को लेकर मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी ने दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश ही कुशा के रूप में परिणत हो गई। इसलिए पूजा पाठ में बाएं हाथ में तीन कुशा से निर्मित पवित्री धारण की जाती है। तो दोस्तों, यह था वीडियो नंबर 3 को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।